हीट स्ट्रोक या लू लगना गर्मी के मौसम की आम समस्या है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बॉडी क्रैम्प शुरू हो जाते हैं, नॉजिया होती है और शरीर में टेम्परेचर जो है इंटरनल टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, शरीर से पानी की कमी हो जाती है। कभी कभी तो इतना सीरियस हो जाता है कि पेशेंट बेहोश होने लग जाता है। ऐसे पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर यदि IV फ्लूड नहीं लगा तो उसके इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हो सकती है और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। यदि घर में प्राथमिक चिकित्सा की बात करें तो ऐसे पेशेंट में दो चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, बॉडी टेम्परेचर और शरीर में जो पानी की कमी है उसको पूरा करना। तो ऐसे पेशेंट को तुरंत ही घर में चादर होती है या टॉवल होते हैं, उनको भिगा करके आप पेशेंट को AC या पंखे के नीचे रखो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पिलाओ, जैसे नींबू पानी, छाछ, लस्सी, आम पन्ना, नारियल पानी, इलेक्ट्रॉल, ORS जैसे चीज़ों का उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन कराओ। इसके बारे में डिटेल में मैंने YouTube पे बता रखा है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। जय हिंद।